हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मेरा नाम है त्रुषण कुंभानी। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2020 के महीने में मारुति सुजुकी ने कितनी कार बेची है, वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति अल्टो। इस बार इसकी सेल हुई है 18,140 यूनिट्स। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर आई है मारुति स्विफ्ट। इसकी सेल इस बार हुई है 18,131 यूनिट्स। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर आई है मारुति बलेनो, जिसकी इस बार सेल हुई है 18,030 यूनिट्स। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर आई है मारुति की वेगनार, जिसने इस बार सेल की है 17,684 यूनिट्स। इसके बाद फिफ्थ पोजीशन पर आई है मारुति की डिज़ायर, जिसने इस बार इसकी सेल हुई है 13,868 यूनिट्स। इसके बाद सिक्स पोजीशन पर आई है ब्रेजा, जिसने दिसंबर के महीने में इसकी सेल हुई है 12,251 यूनिट्स। इसके बाद सेवन पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसने इस बार इसकी सेल हुई है 11,215 यूनिट्स। इसके बाद एट पोजीशन पर आई है अल्टीगा, जिसकी इस बार सेल हुई है 9,177 यूनिट्स। इसके बाद नाइन पोजीशन पर आई है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी दिसंबर के महीने में इसकी सेल हुई है 6,787 यूनिट्स। इसके बाद 10 पोजीशन पर आई है सेलेरियो, इसकी दिसंबर के महीने में सेल हुई है 6,616 यूनिट्स। इसके बाद 11 पोजीशन पर आई है इग्निस, जिसकी इस बार सेल हुई है 3,268 यूनिट्स। इसके बाद 12 पोजीशन पर आई है XL6, जिसकी इस बार सेल हुई है 3,088 यूनिट्स। इसके बाद 13 पोजीशन पर आई है सियाज, जिसने दिसंबर के महीने में अपनी गाड़ियों की सेल की है 1,270 यूनिट्स। इसके बाद 14 पोजीशन पर आई है एस क्रॉस, जिसने दिसंबर के महीने में अपनी गाड़ियों की सेल की है 1,185 यूनिट्स। इसके बाद 15 पोजीशन पर आई है मारुति की जिप्सी, इसने दिसंबर के महीने में अपनी गाड़ियों की सेल की है 0 यूनिट, यानी कि इस बार इसकी गाड़ी की सेल हुई ही नहीं है। सो गाइस, ये था दिसंबर 2020 के महीने का मारुति सुजुकी का सेल्स फिगर। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।